नमस्कार। सबसे पहले नव भारत को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। 90 आपने पूरा किया, शतक आप बहुत जल्दी पूरा करें ऐसे दिल से मैं कामना करती हूं। और तब भी ऐसी कॉन्क्लेव हो, आज कह रहे हैं कि पहली कॉन्क्लेव में थे, तब कहेंगे कि जब शतक की कॉन्क्लेव थी तब हूँ। विकास की बात, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करती हूँ। पिछले 9 साल कहिए, 10 साल कहिए, विकास निरंतर हो रहा है। महाराष्ट्र का नहीं, देश का विकास हो रहा है। और वो विकास मुझे लगता है कि हम सब देख पा रहे हैं, वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कहीं एक विकास नहीं हो रहा है। साथ साथ छोटी मोटी घटनाएं ज़रूर होती हैं। कुछ घटनाएं अभी आदरणीय सावंत जी ने कही, यस हो रही है, लेकिन उसके साथ विकास नहीं हो रहा है ये भी वो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि विकास ज़रूर हो रहा है। घटनाएं हर एक देश में होती रहती हैं, उसके लेके हम विकास को कहीं रुका नहीं सकते और वो रुक भी नहीं रहा है। इसलिए विकास के समर्थन में मैं थी और आज भी मैं विकास के समर्थन में हूँ। जिस महाभारत की क्लिप आप दिखा रहे हैं, शायद उसकी एक पात्र भी मैं हूँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र के क्लिप्स दिखा रहे हैं। तो और उस 19 के 72 घंटों की सरकार की साक्षी में रही, उसके बाद 2.5 साल की सरकार की साक्षी में रही, उसके बाद गुवाहाटी के उलाढाल की भी साक्षी में रही। तो इन सब बातों को नज़र से देखते हुए, फील करते हुए उसकी एक पात्र में रही। और इसलिए इस महाभारत को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये महाभारत नहीं है, एक फॉर्म ऑफ महाभारत ही है, लेकिन विकास के लिए की हुई महाभारत है। तो मैं इस बात का समर्थन ज़रूर करती हूँ। आज आप देखेंगे कि इंफ्रा का इतना बड़ा विकास शायद इतने सालों में किसी ने नहीं देखा होगा जो आज हमारा देश देख रहा है। आर्थिक विकास की 5 ट्रिलियन के जो सपने हैं, मैं तो अभी अभी जो हुआ G20, क्या कभी हम सोच सकते थे, क्या 10-12 साल पहले हमने कभी सोचा था कि G20 यहाँ होगा? लेकिन G20 यहाँ हुआ, बहुत सफल हुआ और दुनिया ने माना भारत का लोहा। तो इससे ज़्यादा विकास मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। विकास के समर्थन में मैं पहले भी थी, आज भी हूँ, और मैं दिल से मानती हूँ कि विकास हो रहा है।